था, चार या पांच भी कर लो तो क्या होता था, सिलेक्शन हो जाता था। बाकी अब क्या है बेटा, अब आप लोगों का पेशेंस, तो हमें 20 मिनट तक मतलब सवाल से जूझना पड़ता था, और आप लोगों का पेशेंस अब 20 सेकंड का भी नहीं बचा है। पढ़ते हो नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ो है ना, बस इससे फाइट मारोगे सवालों के साथ, खेलोगे बेटा 5 से 6 मिनट। अगर जेई वाला 3 मिनट आपको दे रहा है एग्जाम में, तो घर में अगर आपसे नहीं बनने तो आप 5 से 6 मिनट उस पर थिंकिंग तो दो। थिंकिंग देने का मतलब क्या, नहीं बन रहा सवाल, कॉपी खोलो, किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, फॉर्मूला सोचो, क्या चीजें उसमें नहीं आ रही मुझे, वो ढंग से देखो। इतना करोगे तो ही सवाल क्या होंगे, बनना चालू होंगे, है ना। हम लोग 20-25 सेकंड 1 मिनट देखते हैं सवाल को, लगता नहीं बनेगा है ना, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे फाइटिंग स्पिरिट आपका, सवालों में फाइट मारने का स्पिरिट। मेरी भी केमिस्ट्री खूब बेकार थी बेटा, है ना। जब मैं जेई सिलेक्ट होने जा रहा था, मतलब जेई के एग्जाम देने जा रहा था, केमिस्ट्री मेरी खूब बेकार थी, नहीं समझ में आती थी मुझे केमिस्ट्री। और ITN नॉर्मली केमिस्ट्री में कौन है बेटा, बताओ ना, खूब कम मिलेंगे आपको ITN केमिस्ट्री में। नॉर्मली ITN हमेशा फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ाना ही पसंद करते हैं, केमिस्ट्री में खूब कम मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री उनकी भी क्या होती है, बेकार होती है। बेकार इसलिए होती है, दो पार्ट में उन्हें लगता है कि रटना है, इनऑर्गेनिक और किसमें, ऑर्गेनिक में, बस फिजिकल होता है, तो उसके चलते उसका तीसरा इंटरेस्ट फिजिकल में भी थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। बट मैं वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना, और इतनी उम्मीद है कि मैं पढ़ा लेता हूँ ठीक ठाक। तो मैंने बस इतना ही करा था बेटा, जब मुझे पढ़ाने की बारी आई, जॉब पोस्टपोन हुआ, पढ़ाने के फील्ड में उतरा कि अब भैया कुछ तो रोजी रोटी तो चला नहीं है बेटा, है ना। तो अब जॉब छूट गई, 2001 में स्लंप आ गया था मार्केट में, दोनों तरफ मेरे साथ, है ना, किस्मत खूब मेहरबान रही है मेरी, भगवान का खूब आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। 97 में जब जेई दी थी तो पेपर लीक हो गया, 2 बार पेपर देना पड़ा, है ना। अगर एक पेपर उठा के देखोगे, लास्ट 35 के पेपर हो आपके पास, तो 97 में मेरे साल ही पेपर लीक हुए थे, एक बार मई में हुआ था पेपर, दूसरी बार जुलाई में, और बाकायदा दोनों पेपर दिए हुए। तो एक मेहरबानी तो भगवान की ये रही, है ना, ड्रॉपर था। पहली बार में पक्का उम्मीद थी कि 400-500 रैंक आ जाती, इतने बढ़िया पेपर गए थे, बट जो डेढ़ महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे दिया, उसमें पेशेंस लूज कर दिया, उसमें उतना पढ़ाई नहीं करी। अगले पेपर में तो ये हालत हो गई बेटा कि कई तो फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे एग्जाम में। आप इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोड को कैरी करने का वे है वो इम्पोर्टेंट है। एक सिस्टमेटिक आपको अपने शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो गया बेटा, अब बचते हैं मुश्किल से क्या, है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने कहूंगा मैं। जनवरी से तो आप बोर्ड में लगोगे, है ना, हालांकि हम भले यहाँ करवा दे बेटा, बट एक टेंशन बोर्ड की रहती है, तो इस वजह से आपका 8 महीने है। और अभी भी कोई टाइम वेस्ट कर रहा हो बेटा, तो आई कैन जस्ट ओनली गिव यू सजेशन की एडवाइस दे सकता हूँ, उनको छोड़ दो, 8 महीने बाद जिंदगी बदलो पहले, और उसके बाद खूब मस्ती करो बेटा। अंदर तो आपको है ना खूब दोस्त मिल जाएंगे बेटा पास कराने वाले, है ना, IT के अंदर खूब दोस्त पास कराने वाले मिल जाते हैं। अंदर का मिसकॉन्सेप्शन हो कि पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, तो अंदर कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, उसका जीता जाता उदाहरण सामने खड़ा हूं मैं बेटा, है ना। KL एक्स्ट्रा कैली मार के पास हो गया हूं मैं, और डिपार्टमेंट में 5th पोजीशन में चलता था, उसके बावजूद भी पहले साल तो 3rd में था, फिर और कैली मारा तो 5th-6th में आ गया, हालांकि डिपार्टमेंट छोटा ही था, 30 बच्चों का था, तब भी 5th-6th में चलता था बेटा, है ना। 12th स्टेट बोर्ड गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, तो तमगे तो खूब हासिल करे मैंने भी, बट ना सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करता, तो मस्ती में जा। और अंदर तो खूब मजे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी, हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी है आपकी, ठीक है ना, बचते हैं 5 दिन, उसमें से भी 3rd डे जो आता है वीक का वेडनेसडे, उसमें 2nd हाफ फ्री है आपका, खूब सो मजे करो। उसके अलावा 3 महीने की तो आपका समर वेकेशन हो जाती है बेटा, है ना, 3 महीने की समर वेकेशन है, अप्रैल एंड तक कोर्स खत्म होता है, मई जून जुलाई मिड या एंड में जाके कॉलेज चालू होता है, ठीक है ना, और अप्रैल एंड भी नहीं होता उससे पहले खत्म कर देते हैं। 1 महीने की विंटर वेकेशन होती है, दिसंबर पूरा छुट्टी होती है, है ना, दिवाली की छुट्टी अलग है, होली की छुट्टी अलग है, 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती, तो ऐसे सब दिन लोगे तो इतना तो आराम में अंदर मजे आते हैं खूब। तो ये तो अगर आप अभी कोटा की गलियों में इधर उधर टाइम पास करो ना अपना, ये IT की गलियों में करो बेटा, क्योंकि इतना बड़ा होता है IT खड़गपुर, इतना बड़ा है कि 4 साल में मेरे को ही नहीं पूरे रोड पता थे उसके, मजाक लगता है सुन के, बट आप में से कोई गया ना KGP तो वो भी जाके निकलते ये बोलेगा कि मुझे अभी सब रोड पता नहीं है, इतना बड़ा है बेटा, है ना। तो वहां की गलियों में घूमने में मजे आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये अभी कोटा में कुछ भी नहीं है, 8 महीने ढंग से पढ़ाई कर